कैप्टन साहब दो सीटों से लड़ रहे हैं, पटियाला से और लंबी से। उनका कहना है कि वो प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रकाश सिंह बादल के अन्याय और बुरे कामों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन उन जाहिर सी बात है कि किसी के भी गले नहीं उतर रही ये बात, क्योंकि अगर उनके खिलाफ आवाज ही उठानी थी तो एक सीट से लड़ना चाहिए था। जैसे भगवंत मान एक सीट से लड़ रहा है, जरनैल सिंह एक सीट से लड़ रहा है, हिम्मत सिंह गिल एक सीट से लड़ रहा है, मैं शीला जी के खिलाफ एक सीट से लड़ा था, तो किसी के गले नहीं उतर रहा। कल सुबह मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कैप्टन साहब के करीबी लोग हैं, उन्होंने बताया कि कहानी कुछ और ही है। कहानी ये है कि पिछले 10-15 दिन के अंदर जरनैल सिंह का चुनाव, जरनैल सिंह जी हमारे कैंडिडेट हैं लंबी से जो प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी तक बादलों में और कैप्टन में अंडरस्टैंडिंग होती थी। बादल कैप्टन साहब के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़े करते थे, कैप्टन साहब बादलों की लीडरशिप के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट, और दोनों एक दूसरे को जिताते थे। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो सीधे आंख में आंख डाल के टक्कर दे रही है इनको सबको। तो एक बादल के खिलाफ, बादलों के खिलाफ और मजीठिया के खिलाफ हमने अपने टॉप लीडरशिप को खड़ा किया है कि इन लोगों को ना केवल सजा दिलाना जरूरी है, इनको पॉलिटिकली हराना भी जरूरी है। इनके अपवित्र पैर विधानसभा के अंदर नहीं पड़ने चाहिए। तो जरनैल सिंह जी को प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने टिकट दी थी। पिछले 10-15 दिन की जो खबरें आ रही थी, जरनैल सिंह की बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी, रोड शो हुआ, अभी बहुत शानदार रोड शो हुआ, और पूरे के पूरे गांव जरनैल सिंह के साथ खड़े होते जा रहे थे। उधर प्रकाश सिंह बादल जी को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था, और ये साफ होता जा रहा था कि प्रकाश सिंह बादल इस बार बुरी तरह से हारेंगे लंबी से और जरनैल सिंह जीतेंगे। अब प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन साहब को अप्रोच किया, उनसे निवेदन किया कि जी मैंने आपके 2 महीने पहले सारे केस वापस लिए थे, आपको बचाया था, भ्रष्टाचार के जितने केस थे वो सारे वापस लिए थे, तो अब आप हमारी मदद करो। कैप्टन साहब तो प्यार ही हैं, दोनों का बड़ा रिश्ता है। तो कैप्टन साहब ने लंबी से चुनाव लड़ने का इसलिए ऐलान किया है ताकि वो एंटी बादल जो वोट है जो सारी जरनैल सिंह को पड़ रही थी उसको डिवाइड कर सके। कल एक अखबार के इंटरव्यू में भी कैप्टन साहब ने कहा भाई पटियाला से तो मैं लड़ने जीतने जा रहा हूँ और लंबी से मैं विरोध करने जा रहा हूँ, मतलब लंबी से मैं जीतने नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं, मैं खुद ही कह रहे हैं कि मैं हारने जा रहा हूँ लंबी से, तो पटियाले से जीतने जा रहा हूँ और लंबी से हारने जा रहा हूँ। बेसिकली तो लंबी से प्रकाश सिंह बादल को जिताने के लिए जा रहे हैं और पटियाले से खुद जीतना चाहते हैं। उनका कहना है मैं अन्याय पर, बादलों के अन्याय के खिलाफ अभी तक क्या कर रहे थे, 35 साल हो गए अभी तक बादलों के अन्याय के खिलाफ नहीं लड़े। अगर आपको बादलों के अन्याय के खिलाफ इतना लड़ना ही था, या तो एक सीट से लड़ते, महीना दो महीना पहले कहते, चुनाव के 10 दिन पहले अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को अचानक उनको न्याय याद आ गया बादलों का, तो लग रहा है पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ज्यादा दुख इस बात का है पूरे पंजाब में आज एक ही माहौल है, बादलों को कौन हरा रहा है। लोगों के अंदर प्रिडोमिनेंटली ये चुनाव इस चीज के ऊपर है कि बादलों को हराना है जी, बादलों को हराना है जी, मजीठे को हराना है, तोता सिंह को हराना है, कैरों को हराना है, ये पूरी फैमिली जिसने पूरे पंजाब को जीत लिया उसको हराना है। और आखिरी मौके पे जाकर कैप्टन साहब ने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया उन्होंने, पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा है उन्होंने, और पंजाब के लोगों से कैप्टन साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। पंजाब से ये कभी माफ़ नहीं कर सकता कैप्टन साहब, और स्पेशली वो चारों तरफ कह रहे हैं ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूँ आखिरी में तो ग्रेसफुल एग्जिट होनी चाहिए थी। आप इतनी बुरी तरह से बदनाम होके पंजाब के लोगों को धोखा देके राजनीति से संन्यास लेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। पंजाब के लिए जिंदगी, पंजाब के लोग जिंदगी भर इनको माफ़ नहीं करेंगे।
दूसरी बात, मजीठिया ने, उसके पूरे गैंग ने, बादलों की सरकार ने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया। केवल नशे नशे में नहीं डुबोया, पूरे पंजाब के अंदर जबरदस्त डर का माहौल है। डरे हुए हैं लोग पूरी तरह से, कहीं भी जाते हैं लोग कुछ भी बोलने में डर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आजाद भारत के निवासी नहीं है लोग, कुछ भी कहने में डरते हैं लोग। मजीठिया नशा बेचता है, ये बात साफ है। उनका नाम कई इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के बयानों में आया, मजीठिया का नाम, विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम चहल के स्टेटमेंट में आया, भोला के स्टेटमेंट में आया, और भी एक तीन लोग हैं जिनसे जिन्होंने कहा था कि मजीठिया इन्वॉल्व है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। जब हम ये बात में खुल के बड़े जोर शोर से जगह जगह ये बात बोलता हूँ, लोगों को थोड़ा सा अचंबा होता है। लोग कहते हैं सर ऐसा हो सकता है कि मजीठिया जेल जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? लोग आके मेरे से पूछते हैं सभा के बाद। आज मैं लोगों को कहना चाहता हूँ 11 मार्च को नतीजे आएंगे, मोटे मोटे तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी, लोग आजादी की चैन की सांस ले सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पूरे पंजाब के लोगों ने इनको डरा रखा था, उस गुंडागर्दी से लोगों को चैन मिलेगा। तो आज पंजाब के लोग नोट करने, इस तारीख को 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल के अंदर होगा। बाकी भी होंगे, लेकिन मजीठिया एक सिंबल बन गया पूरी गुंडागर्दी का और पूरा इस नशे का। सारे जाएंगे, जैसे बादल है, बादलों के खिलाफ एसआईटी बिठाई जाएगी। जितना इन्होंने पंजाब को लूटा है बादलों ने, उस सारे लूट को रिकवर किया जाएगा। इनके जितने क्राइम है, इनकी जितनी दौलत है, एसआईटी बिठा के सारी, जितना पैसा इन्होंने लूटा है उसको ब्याज समेत, उसको जुर्माने समेत रिकवर करेंगे। और जितने इनके भ्रष्टाचार के केसेस हैं, इन लोगों को भी जेल भिजवाएंगे। आदेश प्रताप सिंह कैरो, तोता सिंह, कैप्टन साहब के स्विस बैंक के अकाउंट, इन सब चीजों को सोसाइटी के दायरे के अंदर लाया जाएगा। ये सारे लोग भी अपने कुकर्मों की सजा भुगतेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक डेट आपको बता रहा हूं कि 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल जाएगा। लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं, आप डरिए मत, आप बाहर निकलिए, हिम्मत करिए, और सारे लोग मिलके एक बार साफ सुथरी सच्ची ईमानदार सरकार को वोट। रवनीत बिट्टू जलालाबाद में सुखबीर राम के खिलाफ है। जो कल कांग्रेस ज्वाइन किया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले ये लगातार बातें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ज्वाइन कर। हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको खत्म हो चुकी है। अरविंद जी, दीक्षित के बारे में बोलते थे जेल जाएगी, करेंगे तो चुनाव। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आप बता क्लियर कर देता हूँ। हमारी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 3 FIR हमने शीला दीक्षित के खिलाफ कर दी थी। 49 दिन के अंदर जल बोर्ड के मामलों में और कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के मामले में। उसके बाद एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। जो तीनों FIR में करके गया था, मोदी सरकार ने आने के बाद उनको अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी मोदी ने अपने पास रखी। जब हमारी दोबारा सरकार बनी, हमने फिर अलमारी खोली, फिर से जांच शुरू की। 3 महीने तक हम जांच की, और केवल शीला दीक्षित थी, मुकेश अंबानी के खिलाफ भी FIR की थी बाय नेम। जब दोबारा 3 महीने सरकार बनी, मुकेश अंबानी के CEO वगैरह को समन करना चालू कर दिया था, पहली बार भारत में हुआ होगा। 8 जून 2015 को मोदी जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। तब से वो सारे केस मोदी जी के कब्जे में है। 8 जून के बाद उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, ये मोदी जी आपको हिसाब दे सकते हैं, मैं हिसाब नहीं दे सकता। अरविंद जी, कहा जा रहा है कि जनरल सिंह जो वहां पर जो उम्मीदवार लड़ने थे आपने खड़े किए हैं, पिछले दो
तीन दिन की घटना ये है कि कहते हैं वो थोड़ा सा उसके कैपिटल के आने से थोड़ा सा घबराए भी हैं और पार्टी फंड को लेकर जो खर्चा जो है उसको लेकर आपसे मांग भी किया कि इतना उसके मुकाबले हमारा पार्टी का थोड़ा फंड भी प्रॉपर को नहीं मिल पा रहा। ये कहाँ तक सर ये सारा फंड पार्टी के पास तो फंड है ही नहीं, मैं बार बार कह चुका हूँ। जितना भी पैसा आ रहा है लोगों से चंदा ले लेके, 10-10 रुपए ले लेके, आपसे भी लेंगे सर 100 रुपए, सब लोगों से चंदा ले लेके पार्टी चल रही है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम नहीं चुनाव लड़ रहे, लंबी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लंबी के लोग घर घर जा रहे हैं, पूरे पंजाब के लोग घर घर जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद जी, ये नोटबंदी का असर तो नहीं, आप कह रहे हैं आप चंदा है नहीं, पैसे नहीं है, नोटबंदी का असर पहले भी नोटबंदी के पहले भी नहीं थे, दिल्ली के चुनाव में भी नहीं। अरविंद जी, केजरीवाल साहब वैसे थे, केजरीवाल साहब वैसे थे।